अस्सलाम वालेकुम नर्सी क्लास, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज हम उर्दू का काम करेंगे। आज 19 तारीख है, डेट पुट की हुई है मैंने। आज हम 19 तारीख का काम करेंगे। आज हमारा उर्दू का काम है इमला, उर्दू की इमला, जो हम हर फ्राइडे को करते हैं। हम हर फ्राइडे उर्दू की इमला करते हैं। तो उर्दू के इमला में 10 वर्ड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 वर्ड्स होते हैं जो हमने हर इमला में करने होते हैं। लास्ट में आप अपना नेम लिखते हैं, जो हम हर काम के लास्ट में लिखते हैं। अपनी क्लास का नेम नर्सरी ग्रीन, जो हमारी क्लास का नाम है। हमारी क्लास का नेम सब बच्चों को आना चाहिए, नर्सरी ग्रीन। सब बच्चों को लिखना आना चाहिए नर्सरी ग्रीन। अब हम अपनी उर्दू की इमला करते हैं। सबसे पहले नर्सरी क्लास, पेंसिल का लेड बारीक होना चाहिए। सब बच्चों का पेंसिल का लेड बारीक हो। तो आज का हमारा पहला लफ्ज़ है मीम। मीम बनाएंगे हम यहाँ पर। मीम इमला में हम आगे पीछे अल्फाज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है काफ। गोला गोल बना के फिर इसका मुंह उस तरह बना के दो डॉट्स लगाएंगे तो ये हमारी काफ बन जाएगी, काफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है जीन। जी मैं इमला आप किसी के पास ही बैठ के कर सकते हैं। इमला का मेन मकसद है कि आपको लफ्ज़ की नर्सरी क्लास पहचान हो कि कौन सा लफ्ज़ आप लिख रहे हैं तो वो किस तरह लिखेंगे। इस तरह से आपको लफ्ज़ की पहचान हो जाएगी। छोटी आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अलिफ, रे, रे ऊपर छोटी तो बना दें तो वो रे बन जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लाम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है चे, जिसके अंदर 3 डॉट्स होती हैं वो चे होती है, 3 डॉट्स वाली चे होती है। अब हम क्या लिखेंगे, एक